दोस्तों को नमस्कार। और दोस्तों ये आप देख पा रहे हो काफ़ी खूबसूरत गांव है और आप देख सकते हो यहाँ पे धूप और ऊपर साइड बर्फ हो रखी। आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत गांव है। इस गांव में भी अभी सड़क नहीं है सिवाय लाइट के, ना यहाँ पे नेटवर्क है। एक दूसरे से कनेक्ट ये लोग एकांत ऊपर वाली जगह में जाते हैं, वहाँ पर भी इन लोगों का ऐसा स्कीन है कि अगर एक बंदा एक टाइम में बात करेगा तो दूसरे बंदे के फ़ोन में नेटवर्क इश्यूज आएंगे। मतलब आप खुद समझ सकते हो कि यह लोग भी अभी बहुत पीछे जी रहे हैं। बट सुकून काफ़ी ज़्यादा इधर, ऐसा सुकून बहुत कम मिलेगा आपको ऐसे पहाड़ों में मिल सकता है, एकांत जहाँ सड़क नहीं है, जहाँ आयात जायत कम है लोगों का, बाहर के लोगों का। काफ़ी खुश नसीब हूँ कि ऐसे ऐसे गाँव एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं। जो गांव अभी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ इस प्रकार से कहूँगा, यहाँ पे कुछ फैसिलिटी नहीं है सिवाय एक लाइट के, ना यहाँ पे नेटवर्क है, ना यहाँ पे सड़क है। इन लोगों को अगर सड़क जाएं तो इन लोगों को 3 घंटे लगते हैं एक साइड, और ऊपर आने में तो 5 घंटे लग जाएंगे। ये लोग अप डाउन बहुत ही कम करते हैं, और इनके यहाँ जो बच्चे कुछ स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, इनके बच्चे नीचे मार्केट ही में पढ़ते हैं। जैसे इनके जो निजी मार्केट है भटवाड़ी, मल्ला और उत्तरकाशी, ये अपने जो इनके घर के कुछ बच्चे पढ़ाई लिखाई जो करना चाहते हैं वह लोग नीचे ही पढ़ते हैं। और जो इस गांव में विद्यालय है वह है 8 तक, 8 के बाद यह लोग नीचे ही शिफ्ट हो जाते हैं और नीचे ही पढ़ाई लिखाई इन सब लोगों का नीचे ही। और आपने देख लिया काफ़ी खूबसूरत गांव है जो मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो आप लोग बताना दोस्तों यह गांव कौन सा है और इस गांव का नाम क्या है और यह कौन सी जगह होगी। मैं एक आपको हिंट दे देता हूँ, इस गांव की जो पट्टी है नाल कटोरा पट्टी है।